हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एटीजी व्लॉग्स। आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में कास पठार से स्वागत है। ये हमारी रूम है, हमें सनराइज के लिए टाइम लैप्स लगाने वाला था, लेकिन सुबह से ऐसे ही मौसम है, दोपहर के बाद यहाँ पे भी बारिश हो रही है। इसके लिए हम लोग सोच रहे कि जल्दी से जाके कास पठार जो फ्लैट व्यू देखने आए हैं हम लोग, वो एक्सप्लोर कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे महाबलेश्वर साइड बढ़ेंगे। हम लोग रुके हैं अभी डोंगर माथा होटल में। इस होटल से कास पठार 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। कास पठार के लिए अगर जाना है तो यहाँ से आपको पार्किंग करना पड़ेगा गाड़ी का, और वहाँ से फिर बस लेके यहाँ से ऊपर जाना है। यहाँ पे कार पार्किंग, बाइक पार्किंग है, सो यहाँ पे आके आपको बाइक लगानी है। नाश्ता अगर आपको करना है तो होटल्स भी है छोटे छोटे, और बसेस कंटिन्यू चालू रहती है। यहाँ से अभी वड़ा पाव लिया है, वड़ा पाव खाएंगे और उस बस में ऊपर जाएंगे। ओके अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आप टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, या तो ऑन द स्पॉट भी आप टिकट खरीद सकते हो। एंट्री फीस जो है वो 150 रुपीज़ पर हेड है, और स्टूडेंट्स के लिए अगर आप देखोगे, मतलब लाइक कॉलेज या स्कूल का कुछ लेटर लेके अगर आप आते हो तो आपको 40 रुपीज़ पे करना पड़ता है बस। बाकी तो यहाँ पे ये मैप है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। यहाँ पे बाकी एनिमल्स भी है, इसके लिए यहाँ पे 6 के बाद रुकना मना है। एंड लुक एट द व्यू भाई, ड्रोन यहाँ पे सिर्फ अलाउड नहीं है, नहीं तो ड्रोन से क्या ही फुटेज आता था, आपको देखने में भी मज़ा आता था। बट ठीक है, अभी जो रूल्स है उसको फॉलो करना अपनी जिम्मेदारी है। सिर्फ अपने पास 360 है और इसकी स्टिक है, सो ये एक्सटेंड करके आपको दिखाऊंगा मैं मिनी ड्रोन के रूप में। सीजन के हिसाब से कास पठार कैसा दिखता है वो इस फ्रेम में दिखाया है। यूनेस्को की ओर से कास पठार को 2012 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। कास पठार की ऊंचाई 1200 मीटर है और ये लगभग 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। आपको जगह जगह पे ऐसे गांव के लोग मिलेंगे, मौसी, जिनके पास ये पिठला भाकरी मिलेगा। पिठला भाकरी जो अपना चना डाल रहता है उसका ये बनता है बारीक करके, पाउडर बना के, और ये है शेंगदाना का चटनी, ठेचा, नाचनी की भाकरी। चलो ये खाते हैं और उसके बाद 1 नंबर गेट पे जाना है जहाँ पे और भी वैरायटी है फ्लावर्स की। थोड़ा सा पिठला लेने का ठेचा मिक्स करने का। हाँ एकदम प्योर और इस नज़ारे के साथ अभी इधर इतनी ठंडी हवा है कि सब ठंडा हो जाता है, इवन ये स्टिक भी ठंडी हो गई थी अंदर से मेटल होने के कारण। यहाँ पे फूलों के पौधों की 850 से अधिक स्पीशीज पाई जाती है, जिनमें ऑर्किड, कारवी जैसे झाड़ियाँ और ड्रोसेरा इंडिका जैसे मांसाहारी पौधे शामिल है। अगर आपको कास पठार आना है तो बेस्ट टाइम 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में है, जहाँ पे आपको फूलों की ज़्यादा वैरायटी देखने मिलेगी। सो गेट नंबर 2 से हम लोग जा रहे हैं 1 नंबर की ओर, जो रास्ते के वो साइड में है, मतलब ये वाला। हम लोग 3 से अंदर गए और 2 से बाहर निकले। एंड जो 4 नंबर वाला गेट है वो और आगे है, मतलब अराउंड 2 किलोमीटर के आसपास है वो। 4 नंबर में लोटस है मेन देखने के लिए बस, और यहाँ पे अभी और वैरायटीज दिखेंगी ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस एरिया। हम लोग अक्टूबर महीने में आने के कारण हमें यहाँ पे फूलों की ज़्यादा वैरायटी देखने नहीं मिली। जो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था हम लोगों ने कि यहाँ पे बहुत सारे फूल रहेंगे और वैरायटी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कह सकते कि ये जो रीजन है ये टॉप वाला, तो यहाँ पे लाल शेड है, यहाँ पे फिर येलो, वॉयलेट, ये सब कलर है।
एंड यहाँ पे अच्छा खासा लेक है। चलो सुकास बटर देख के हो गए, हम लोग अभी गेट नंबर 4 पे नहीं जा रहे क्योंकि वो और आगे चल के जाना पड़ेगा। अच्छा अभी यहीं से हम लोग बस लेने वाले हैं और रिटर्न जाने वाले हैं। चलो जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे हम लोग अभी ख़त्म कर रहे हैं। एक मस्त ऐसी लोकेशन पे रुके हैं, सामने ही अपना होटल है एंड यहाँ पे अभी ड्रोन उड़ेगा। ड्रोन के शॉट्स देखने हैं तो वंडरसिन इस चैनल पे जाइए और ड्रोन शॉट एंजॉय कीजिए। तो इस खूबसूरत रूम और इस नज़ारे को बाय बोलने का समय आ गया है। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं आगे महाबलेश्वर की ओर। अगर आप भी यहाँ पे आ रहे हो इस रूट पे, सो आई विल रिकमेंड यू टू स्टे इन दिस होटल। काफ़ी सुंदर है एंड 1500-2000 में आपका काम हो जाएगा स्टे का। खाना भी अच्छा है, सो नो वरीज़।